संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतो न भविष्यति ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकल्प के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। अभी कोरोना के खिलाफ आपको जो अनुभव मिलेंगे वो भविष्य में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं। इन अनुभवों का सही इस्तेमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंधन से भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा। आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हैं तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। कोरोना की इस दूसरी वेव में
अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है।